हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये क्या बात कर रही हो? अभी तो वो हम सब से मिलके गई थी, अभी अब इसको छोड़ के आई हूँ यार, तुम्हें ये सब कैसे पता लगा है? अच्छा रुको, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस अदारे में मौजूद हैं जहां आलिया नामी लड़की के साथ दिन के उजाले में हुआ एक अफसोसनाक सानहा। चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ लोगों की ज़बानी। क्या ज़रूरत पड़ी थी भला लड़कों के साथ घूमने फिरने की, जब इस तरह के कामों में पड़ना है फिर इस तरह तो होता है। वैसे भी उसकी यही रेपुटेशन है पूरे कैंपस में। उसका तो करेक्टर भी काफ़ी क्वेश्चनेबल लगता था। आलिया का किडनैप हुआ है, बड़ा हाथ मारा है किडनैपर ने। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसे ही होता है, जब बाहर निकलेंगी ऐसे कपड़े पहनकर तो फिर यही सब कुछ होगा। ये रेप और किडनैपिंग ही होती है, और क्या होता है? और सर पे बिठा ले उनको भला। अब हम ये जो नई आने वाली जनरेशन है, ये इस रास्ते पे ही चलेगी। इनको इनको किडनैप होंगे तो ये खत्म होंगे, वरना ये कतअन खत्म नहीं होने वाले, बता रहा हूँ मैं आपको ये बात। जी नाज़रीन, इसके बारे में जानिए आपने लोगों की राय। आलिया वाकई इसके साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मैं हूं आपकी न्यूज़ रिपोर्टर सादिया रफीक, कैमरामैन अरशद अली के साथ। कौन मुहाफिज, कौन है कातिल, कोई ये कैसे जान सकेगा? शौहर, भाई, बाप और बेटा सभी हैं हथियार उठाए। इज्जत और नामूस की बुर्ची, खंजर गैर तमदुनी का। संगजना बेहुदा जुमले कैसे सही और बचे तो कैसे? तेज निगाहों की ताजीरें, जिस्म ना हो कोई जुर्म हो जैसे।